राधे राधे फ्रेंड्स, गोगा नवमी की कथा इस प्रकार है। गोगा नवमी के विषय में बहुत सी प्रचलित कहानी है कि गोगा मारू देश के राजा थे और उनकी माँ बाछला गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्तों में से एक थी। कथा के अनुसार एक दिन बाबा गोरखनाथ अपने शिष्यों समेत बाछला के राज्य में गए। जब रानी को इस बात का पता चला तो बहुत प्रसन्न हुई। बाबा गोरखनाथ अपने एक शिष्य को नगर में जाकर परिक्रमा लगाने का आदेश देते हैं। गुरु का आदेश पाकर शिष्य नगर में भ्रमण करने के लिए निकल पड़ता है और भिक्षा मांगते हुए वह राजमहल में जा पहुंचा। रानी ने उसे बहुत सारा धन भिक्षा के रूप में दिया, लेकिन गोरखनाथ जी के शिष्य ने वह लेने से मना कर दिया और थोड़ा सा अनाज मांगा। रानी अहंकारवश कहती है कि राजमहल के गोदामों में तो अनाज का भंडार है, तुम इस अनाज को कैसे ले जाना चाहोगे? तो वह अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा देता है। सारा अनाज उसके भिक्षा पात्र में समा गया और राज्य का अनाज गोदाम खाली हो गया, फिर भी योगी का पात्र भरा नहीं। तब रानी गोरखनाथ के शिष्य की शक्ति के सामने नतमस्तक हो गई और उनसे क्षमा याचना की गुहार लगाने लगी और कोई संतान न होने का दुख बताती है। भिक्षक ने रानी को अपने गुरु गोरखनाथ से मिलने की सलाह दी और कहा, उनसे ही आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल सकता है। यह बात सुनकर रानी अगली सुबह ही जब गुरु गोरखनाथ के आश्रम जाने को तैयार होने लगी, तभी उसकी बहन काछला वहां पहुंचकर सारी बात जान लेती है और गुरु गोरखनाथ के पास पहले पहुंचकर उससे आशीर्वाद के रूप में दो फल ग्रहण करती है। उसके बाद रानी जब गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचती है तो गोरखनाथ जी, जो कि पहले से ही सारी बात जानते थे, उन्होंने रानी को भी प्रसाद के रूप में फल दे दिया और साथ ही ये आशीर्वाद दिया कि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो कि वीर पुरुष होगा और नागों को वश में करने वाला तथा सिद्धों का शिरोमणि होगा, जिसकी गाथाएं लोग सदियों तक गाएंगे। फिर कुछ समय बाद रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और रानी की कोख से जन्मे बालक का नाम गोगा गुग्गा रखा गया, गोगा जी का ब्यावला। बड़े होने पर जब गोगा जी का विवाह बंगाल के राजा मालव की बेटी से होना तय होता है, परंतु राजा ने अपनी बेटी की शादी गोगा से करवाने से मना कर दिया। इस बात से दुखी गोगा जी गुरु गोरखनाथ जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। बाबा गुरु गोरखनाथ ने गुग्गा जी को दुखी देख उनकी सहायता के लिए बासुकी नाग से राजा की कन्या को विष प्रहार करवाया। कहते हैं राजा के वैद्य उस विष के प्रभाव को कम नहीं कर पाए। तभी वेश बदले बासुकी नाग ने राजा से कहा कि यदि वह गुग्गा मंत्र का जाप करे तो विष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। राजा गुगवल मंत्र का प्रयोग विष उतारने के लिए करने लगे और देखते ही देखते राजा की बेटी सुरियल विष के प्रभाव से मुक्त हो गई और राजा अपने कथन के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह गुगमल से करवाते हैं। गोगा जी के जयकारे, गोगा जी महाराज की जय, नीले घोड़े वाले की जय, बोलिए गोगा जी पीर की जय। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में गोगा पीर की जय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।